नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाऊंगा जो आपको जिंदगी के हर एक मोड पर प्रेरित करेगा। ये वो शख्स है जिन्होंने डिसेबल होने के बावजूद भी कभी घूमने का नाम नहीं लिया। ये वो शख्स है जिन्होंने अपनी डिसएबिलिटी को एबिलिटी बनाकर कई देशों में गोल्ड मेडल जीतकर देश को एक नई पहचान दी है। इनका नाम है मुरलीकांत पेटकर। आइए एक बार इनकी उपलब्धियों पर नजर डाल लेते हैं। सन 1964 में जापान में जाकर बॉक्सिंग में इन्होंने अपना एक रिकॉर्ड दर्ज किया। उसी समय इनको एक बड़े हादसे से गुजरना पड़ा और इनको बॉक्सिंग छोड़नी पड़ी। उसके बाद इन्होंने स्विमिंग स्टार्ट की और 1968 में 1969 में अंतर्राष्ट्रीय सतह पर जीत हासिल करते चले गए। सन 1970 में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीतकर इन्होंने एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया। उसके बाद इन्होंने 1972 में इंडिया का सबसे पहला गोल्ड मेडल स्विमिंग पैरा ओलंपिक में इन्होंने अपने नाम दर्ज किया। ये यहाँ तक नहीं हो गए, सन 1975 में कनाडा में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, एक के बाद एक जीत हासिल करते चले गए। इतना आसान नहीं था इनका जीवन। 1947 में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। बचपन इनका बहुत ही बड़ा संघर्षपूर्ण था। बचपन से ही माता पिता का साया छूट गया था और खेलकूद में इनकी काफ़ी रुचि थी, जिनकी वजह से कुछ समय बाद इनकी आर्मी में नौकरी लग गई। साथ ही साथ इन्होंने हॉकी खेलना शुरू कर दिया और राष्ट्रीय सतह पर जीत हासिल इनको मिलती रही हॉकी में। कुछ जातिवाद के कारण इनको अंतर्राष्ट्रीय सतह पर खेलने का मौका नहीं दिया गया। वहां से इनको निराशा हाथ लगी, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। कोच के सुझाव के बाद इन्होंने बॉक्सिंग खेलना शुरू कर दिया और एक के बाद एक राष्ट्रीय सतह पर जीत हासिल की और सन 1964 में जापान में जाकर बॉक्सिंग में इन्होंने एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया। वहां से आने के बाद इनको काफी सम्मान दिया गया और इनका जो ट्रांसफर था वो कश्मीर में कर दिया। ट्रेनिंग तो खत्म ही हो चुकी थी उस समय और उसी समय 1965 का युद्ध भारत और पाकिस्तान का, आप सभी लोगों को तो याद ही होगा, जब पहाड़ी के ऊपर से गोलियों की बरसात हो रही थी। इनको भी गोलियां लगी पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए और ये वहां पहाड़ी से नीचे गिरने के बाद इनके ऊपर से गाड़ी, मिलिट्री की जो गाड़ी थी वो गुजर। 2 साल तक हॉस्पिटल में ही बेहोश रही। कुदरत इनके ऊपर एक के बाद एक कहर डालती चली गई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इनका फोकस इनको क्लियर था कि मैं अगर यहाँ तक आया हूँ ना तो मुझे जिंदगी में कुछ करके दिखाना है। इन्होंने ठान रखी थी कि मुझे कुछ करना है। इन्होंने डॉक्टर और भगवान दोनों का धन्यवाद किया मुझे दूसरी लाइफ देने के लिए। इन्होंने ठान लिया कि मुझे अब जिंदगी में कुछ करके दिखाना है। अब ये बॉक्सिंग तो कर नहीं सकते थे, डॉक्टर का सुझाव लेके इन्होंने स्विमिंग करना शुरू कर। संडे को या मंडे हर रोज 8 घंटे प्रैक्टिस किया। व्हीलचेयर पे बैठ के जाते थे, 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को, हर रोज 8 घंटे ये मेहनत किया करते थे। इतने अपने आप को इन्होंने स्विमिंग में झोंक दिया और एक दिन इनकी मेहनत रंग लाई। सन 1972 में इंडिया का सबसे पहला गोल्ड मेडल स्विमिंग पैरा ओलंपिक में इन्होंने अपने नाम दर्ज किया, जो आज भी कायम है। उसी से मैं इनको शिव छत्रपति शिवाजी से अवार्ड से नवाजा गया और सन 2018 में इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया। वो कहते हैं ना कि अपने रास्ते खुद चुनिए, आपसे बेहतर इनको कोई नहीं जानता। माफ कीजिएगा, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, एक छोटा सा प्रयास किया ये कहानी आप लोगों तक पहुँचाने का। थोड़ी सी आप लोगों की भी सहायता चाहता हूँ कि इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट को, हर एक खिलाड़ी को शेयर कीजिए जो कामयाब होना चाहता है, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार एक ऐसी वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।